उत्साह उठाने के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो चलेगी मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, पहली बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। आपको बता दूं कि जापान के सहयोग से स्थापित हो रही है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 508 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 508 किलोमीटर, और 2 घंटे 7 मिनट का सफ़र तय करेगी ये। ठीक है, और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तो ये ट्रेन चलेगी। तो पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी, जिसकी कि टोटल लंबाई है 508 किलोमीटर, 2 घंटे 7 मिनट का सफ़र इसमें लगेगा, समय लगेगा, साथ ही 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। तो ये फैक्ट रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना संबंधित है, तो सौभाग्य योजना का संबंध है बिजली से। ठीक है, अब देखिए सौभाग्य का फुल फॉर्म क्या होता है? सौभाग्य यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, सहज बिजली हर घर योजना, और हर गांव शहर को जो तो इससे बिजली मुहैया कराना इसका उद्देश्य है, और 31 मार्च 2019 तक हर घर तक बिजली पहुँचाना इसका जो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है बिजली से, और सौभाग्य मतलब सहज बिजली हर घर योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2017 को। कब? 10 अगस्त 2017 को। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में सबसे स्वच्छ शहर किसे मिला है? तो ये बन गया है इंदौर। लगातार दूसरी बार दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में इंदौर दूसरी बार जो तो स्वच्छ शहर बन गया, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। इससे पहले भी इंदौर जो है तो था। ठीक है, और फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, सबसे गंदा शहर तो वो है गोंडा। ये कहाँ स्थित है? यूपी में। यूपी का जो गोंडा शहर है वो सबसे गंदा शहरों में शुमार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका ने कौन सा बंदरगाह चीन को लीज पर दिया है? उत्तर है हम्बनटोटा। श्रीलंका ने किस बंदरगाह को चीन को लीज पर दिया? तो ये हम्बनटोटा जो कि श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, भारत ने ईरान में बंदरगाह का निर्माण किया, उसका क्या नाम है? इसका नाम है चाबहार। ठीक है, चाबहार बंदरगाह, भारत ने ईरान में बंदरगाह का निर्माण किया, इसका नाम है चाबहार परियोजना। अगला क्वेश्चन है, जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। क्रम पूछ लेता है एग्जाम में अक्सर, तो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू, और ये क्रम में है 13वें नंबर के। ठीक है, 13वें नंबर के हैं क्रम में, और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार के 7 ग्रहों की खोज हुई है, तो 7 ग्रहों खोज, उसका नाम है ट्रेपिस्ट। अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगा, इसका नाम है सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, 12वें नंबर का, इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या 104। आपको बता दें दोस्तों कि PSLV C-37 द्वारा फरवरी 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों को जो है तो इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया। PSLV C-37 प्रक्षेपण यान द्वारा, जो कि एक रिकॉर्ड है, और PSLV को फुल फॉर्म क्या है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। ठीक है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या 104, और ये जरूर याद रखिएगा PSLV C-37 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 15 फरवरी 2017 को। ठीक है, थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ इसरो का? बेंगलुरु कर्नाटका में है। और वर्तमान में जो इसरो के चेयरमैन हैं ये हैं डॉक्टर के सिवान। ठीक है, तो इसरो से रिलेटेड इतने फैक्ट आप याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रेलवे और अन्य एग्ज़ाम में भी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा यान क्या नाम है? स्प्राइटस। ठीक है, स्प्राइटस। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह? इसका उत्तर हो जाएगा कलाम सेट। दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह कौन सा है? कलाम सेट है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को बता देते हैं, आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए एल बुक पब्लिशर द्वारा एक स्पेशल बुक तैयार की गई है, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF फाइल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है तो परचेज कर सकते हैं। मात्र 30 रुपये की बुक है, उसमें लगभग सारे सेक्शन सारे टॉपिक कवर हैं, तो आप बुक जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। मात्र 30 रुपये की बुक, उसमें सारे जो है तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, और समय कम इसलिए वो बुक अच्छी है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रथम भारतीय मिशन, तो इसका राइट आंसर है आदित्य L1। ठीक है, सूर्य का प्रथम भारतीय मिशन जिसका नाम है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ये USA का है, IBM। ठीक है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था IBM, USA का है। इसससे पहले था सनवे 3वां लाइट, जो कि चाइना द्वारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए सौरमंडल की खोज केपलर 90, इसका नाम है। ठीक है, नए सौरमंडल की खोज की केपलर 90।
अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो हैं एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में जान ले दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा आता है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 में। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है और इसका गठन एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों से मिलकर होता है। इसका बता दें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। और वर्तमान में जो भारत के वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो हसमुख अधिया, ठीक है, हसमुख अधिया वर्तमान में वित्त सचिव हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बना, किसे बनाया गया? एन के सिंह को बनाया गया, ठीक है। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान है? तो वैश्विक हंगर इंडेक्स 2017 में भारत को स्थान है 100वां स्थान, ठीक है, 100वां स्थान। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक में 2017 में भारत को कौन सा स्थान है? 137वां, ठीक है। जबकि 2018 में, आपको बता दें, 2018 में भारत को 136वां स्थान मिला है वैश्विक शांति सूचकांक में, 136वां स्थान मिला, जबकि ये 17 में 137वां था। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1972 में। अगला क्वेश्चन है, भारत क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ये 7वां स्थान, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से वर्ल्ड में स्थान 7वां स्थान। अगला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। अगला प्रश्न, न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में? तो यह बिहार में। अगला प्रश्न, यूपी का सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये है महोबा, यूपी का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। नेक्स्ट है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो वर्तमान में भारत का लिंगानुपात है 943। अगला, यूपी का लिंगानुपात 912 है। अगला क्वेश्चन है, मानवता की अमूर सांस्कृतिक धरोहर कुंभ मेला। नेक्स्ट है, अमूर सांस्कृतिक विरासत, ये है योग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट है, विश्व विरासत ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके भी इसमें ऐड कर लिया हूँ, जिससे कि और वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए। नेक्स्ट है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट है, देश की पहली सोलर पावर ट्रेन क्या नाम है? डेमू ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ढोला सादिया पुल। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर टनल हुगली नदी के नीचे है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से चली विश्व की पहली ट्रेन जर्मनी में, ठीक है, हाइड्रोजन चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना कब शुरुआत हुई? तो इस लॉन्च की गई 28 अगस्त 2014 को। फिर है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत की गई? 22 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 से। अगला क्वेश्चन है, दूर दराज के क्षेत्रों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना टेली लॉ। फिर है, भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सी? तो मुखाबिर योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीएम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की वर्तमान में सीएम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया मिशन के तहत हाल ही में किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है सूरत गुजरात को, ठीक है। स्मार्ट इंडिया मिशन के तहत हाल ही में किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी 2018 अवार्ड प्रदान किया गया है? सूरत गुजरात। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईफा फिल्म 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? उत्तर है तुम्हारी सुलू को, ठीक है। आईफा फिल्म 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तुम्हारी सुलू को। अगला क्वेश्चन, आईफा फिल्म 2018 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? इरफान खान को, हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। आईफा अवार्ड 2018 में किस एक्टर को सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया? इरफान खान, हिंदी मीडियम। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर है श्रीदेवी को, मोम के लिए, ठीक है। आईफा अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? श्रीदेवी को, मोम के लिए। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2018 खिताब किसने जीता है? उत्तर है अनुकृति व्यास, तमिलनाडु की हैं। अगला प्रश्न है, जापान का प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है?
उत्तर है बिंदेश्वर पाठक, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। जापान का प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। अगला, किस खिलाड़ी को 2017-18 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है? उत्तर है विराट कोहली को। ठीक है, किस खिलाड़ी को 2017-18 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया? विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन है, म्यूजिक में पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है केंड्रिक लैमर को, एल्बम डैम के लिए। ठीक है, उनके एल्बम डैम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसे 26वां पीसी चंद्र पुरस्कार सम्मानित किया गया है? उत्तर है आशा भोसले को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तर है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिला है? उत्तर है महमूद अबू जीद, मिस्र के फोटोग्राफर हैं ये, इनको हाल ही में यूनेस्को प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है न्यूटन को। ठीक है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? न्यूटन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? उत्तर है धर्मेंद्र जी को। ठीक है, हाल ही में राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से धर्मेंद्र जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? उत्तर है विनोद खन्ना को। ठीक है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो तो विनोद खन्ना जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट 65 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, और आप उस एल बुक पब्लिश बुक को जरूर देख लें जो ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई गई, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें बहुत सारे अपडेट्स के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ फाइल आप वहाँ से मिल जाएगी। यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको जो है तो लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑल द बेस्ट आपको आगामी एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।